तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने जो जबरदस्त सा पबजी गेमिंग इंट्रो देखा, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके 16.9 के ऊपर रखे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर से ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है और इसकी लेंथ आपने बढ़ा के कुछ इस तरह से कर देनी है 15 के करीब। इसकी लेंथ करने के बाद आपने इधर अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। चैनल का लोगो ऐड करने के लिए आपने लेयर के ऊपर आना है। उसके बाद आपने मीडिया के ऊपर आना है। मीडिया के ऊपर आने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जिधर भी आपके चैनल का लोगो पड़ा हो आपने उसको इधर ले आना है। लोगो को इधर लाने के बाद आपने लोगो का साइज़ कुछ इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेना है और इसको आपने इधर से ओके कर देना है। और इसकी भी लेंथ आपने बढ़ा के ब्लैक इमेज के बराबर आपने इसकी भी लेंथ कर देनी है इस तरह से। तो अभी आपने इधर एक टेम्पलेट ऐड करना है। याद रखें, ये जो मैं इधर टेम्पलेट अभी ऐड करने लगा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, ये बिल्कुल नॉन कॉपीराइटेड है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको बिल्कुल फ्री में अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट इधर ऐड करने के लिए आपने लेयर के ऊपर आना है। उसके बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जिधर भी आपका टेम्पलेट पड़ा हो आपने इस तरह से उसको इधर ले आना है। इधर लाने के बाद आपने इधर नीचे आना है स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर आने के बाद आपने फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपने इसको इधर से कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये देखें, थोड़ा सा टेम्पलेट का साइज़ बड़ा है और लोगो का और ब्लैक इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो सबसे पहले आपने इन तीनों चीज़ों के साइज़ को इस तरह से बराबर कर लेना है। ये बराबर करने के बाद अभी आपने ये जो आपको टेम्पलेट के अंदर ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, आपने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव आपने किस तरह करना है, आपने टेम्पलेट के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर नीचे आना है। इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगी क्रोमा की तो आपने क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने इस तरह से कर देना है इनेबल। ये देखें, ये इनेबल हो गया और इधर से आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद हमारा लोगो इसमें बराबर फिट नहीं आ रहा, कट रहा है, तो आपने लोगो के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, ये अभी हमारा लोगो इसके अंदर सही तरह से फिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लोगो इधर ऐड हो गया। इस तरह से आपने अपना लोगो इधर ऐड कर लेना है। अभी तकरीबन हमारा इंट्रो रेडी हो गया, बस एक चीज़ बाकी है। उसके लिए आपने सेटिंग के ऊपर आना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपने वीडियो के ऊपर आना है। इधर से आपने वीडियो फेड आउट को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपने इसकी स्पीड को कर देना है एक पे सेट। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी स्पीड को एक के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। वॉल्यूम आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके इसका फुल कर लेना है इस तरह से। अभी ये बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त सा इंट्रो रेडी हो गया। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखा दोस्तों, हमारा ज़बरदस्त सा इंट्रो रेडी हो गया। इसको अभी आपने सेव किस तरह करना है, सेव करने के लिए आपने इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद इधर आप इसको 1080p में सेव कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चले, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।